वैशाली जिले में 27 फरवरी को गुरुदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंस हाजीपुर वैशाली का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना के साथ हुआ। उसके बाद छात्र छात्राओं के द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गुरुदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंस हाजीपुर वैशाली की स्थापना राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। संस्थान द्वारा अथक प्रयास है कि संस्थान में सभी सुविधाएं जैसे कि सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं अस्पताल में व्यवहारिक प्रशिक्षण आधुनिक हो। संस्थान परिवार के सभी सदस्यों के कड़ी मेहनत से आज संस्थान पारा मेडिकल एवं नर्सिंग के क्षेत्र में राज्य में अग्रणी संस्था बनता जा रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के चेयरमैन श्री एस के पांडे ने कहा कि कोरोना काल के आने के बाद डॉक्टरों और नर्सों की उपयोगिता का पता चला। इस महामारी के समय स्वास्थ्य कर्मियों का कार्य काफी सराहनीय रहा। आज हमारे इस संस्थान से स्वास्थ्य कर्मियों का समूह देश की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। संस्थान में पारा मेडिकल एवं नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, ड्रेसर, ओटी टेक्नीशियन, डीएमएलटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एवं बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नामांकन प्रक्रिया जारी है। कार्यक्रम के अंत में इस वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर एस के राणा, डायरेक्टर श्रीमती नगीना देवी, प्रिंसिपल डॉक्टर ओम प्रकाश, प्रिंसिपल डॉक्टर आनंदिता बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर रीत कुमार रीत, बाल भगवान नीतीश कुमार आदि गणमान्य व्यक्तियों एवं संस्थान के शिक्षक एवं कर्मियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपको दो तीन इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ इस मीडिया के थ्रू, ताकि जितने भी लोग मेरे को सुने और जो भी आपके थ्रू सुने, ये सबके पढ़ाई जो भी बीए बीकॉम प्लस बहुत सारी पढ़ाई होती है, मगर ये पारा मेडिकल पढ़ाई है कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का, ये सबसे बड़ा ये है। क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट वैकेंसी तो ठीक है, गवर्नमेंट तो चलो जो निकल रही है हॉस्पिटल वो तो लिमिटेड होता है, मगर आप इसमें कोई भी डिग्री लेते हैं, आप फिजियोथेरेपी लेते हैं, लैब लेते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, ऐसा कोई भी आप डिग्री इसका लेते हैं, तो आपके पास एक अस्त्र आता है, एक एकेडमिक अस्त्र आता है, जिससे आप सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आप 5-6-8, जैसे मैं डॉक्टर कुंदन, अब मेरी क्लिनिक में 15-20 तो काम करते हैं, हमें किसी जॉब की जरूरत नहीं है, मैं खुद जॉब देता हूँ पढ़ा करके सिखा के क्लिनिक में। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, और पटना में जो गुरुदेव पारा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये जो डिग्री जो आप बता रहे हैं, डिग्री पैसे लेके मिलते हैं और देते हैं, ये तो बातें पूरी दुनिया में होती है, लेकिन लड़का पर डिपेंड करता है। आप इसमें अच्छे से गुणवत्ता हासिल करते हैं, आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप क्लिनिक खोलें, आप अपना काम करें, छोटा हॉस्पिटल में काम करें, बड़ा हॉस्पिटल में काम करें, गवर्नमेंट मिलता है तो अच्छी बात है। और जहाँ तक थेरेपी की मैं बात करता हूँ, तो मैं इसकी अवेयरनेस अभी बहुत पुअर है, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, यदि आपको मसल संबंधी कोई भी इंजरी होती है तो फिजियोथेरेपी से बेहतर मेरे ख्याल से कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति नहीं है। यदि मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी BCCI के लिए अभी भी कार्यरत हूँ, बिहार क्रिकेट में भी काम करता हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, तो मस्कुलर इंजरी आपको कोई भी लिगामेंट एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, फॉल इंजरी कुछ भी होता है, आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से आप बेहतर हो सकते हैं। और जो लड़के यहाँ से बैचलर डिग्री है, ये गवर्नमेंट जो बैचलर डिग्री देती है, आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिहार, आप न्यूयॉर्क काम कर सकते हैं, आप लंदन काम कर सकते हैं, आप इंडियन टीम के लिए काम कर सकते हैं, आप IPL जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं। ये आपकी दक्षता होनी चाहिए, और दक्षता को डेवलप करने के लिए जितने भी अलग अलग मेंबर हैं, अलग अलग सेक्शन के हम लोग पूरा, मुझे तो लगता है कि मैं यदि 30 दिन होता है तो मैं 25 दिन क्लास आके लेता हूँ संडे को छोड़ करके, मुझे लगता है सारे टीचर भी ऐसे ही करते हैं। अब लड़कियों पर डिपेंड करता है कि लड़का उस क्लास को कितना अटेंड करता है, 100 लड़के हैं उसमें कुछ लड़के नहीं भी करते तो वो तो ये बात करेंगे, लेकिन जो लड़के अटेंड करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत हाई होगी। हाई होती है यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ ANM, GNM, BSc नर्सिंग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और BBA BCA भी हमारे यहाँ। अच्छा सर, बिहार में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा है,
उस कॉलेजों में आप में क्या डिफरेंस है कि लोग यहाँ के पढ़ेंगे? हमारे यहाँ के आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का रिजल्ट का वेबसाइट खोल करके भी चेक कर सकते हैं। हमारे यहाँ के 70% बच्चे पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं, हर बार का एग्जाम का देख लीजिए। क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाया जाता है बढ़िया से, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग बढ़िया से दिया जाता है और हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं हर जगह, जहाँ भी बच्चों को लगे आधुनिक हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, लैब है, हर चीज़ जो चाहिए बच्चों को सीखने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है। कैंपस सिलेक्शन का व्यवस्था हमारे यहाँ है। कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं यहाँ? इसमें कंपनी का नहीं, इसमें हॉस्पिटल वगैरह वेदांता से भी आते हैं, पारस से भी आते हैं, एम्स दिल्ली तक हम लोग भेज चुके हैं बच्चों को। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों को जब तक प्रैक्टिकली अनुभव ना हो तब तक बच्चे कहीं भी जाकर के क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, और हमारे यहाँ प्रशिक्षित बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए क्या व्यवस्था? प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल में भेजते हैं अपने यहाँ से बच्चों को, और यहाँ भी लैब हमारे यहाँ आधुनिक लैब है जिससे कि बच्चा अच्छी तरह से सीख सके। बच्चों में ज्ञान है हमारे यहाँ, आप किसी भी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए कुछ? गरीब बच्चों के लिए एक तो देखिए बिहार सरकार इसमें 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किए हुए हैं वहाँ से भी, और जो मेधावी छात्र है हमारे यहाँ हम अपना खुद का टेस्ट लेते हैं और उसमें जो भी बच्चा अव्वल आता है तो लगभग उसको फीस में 50% तक का हम लोग माफ कर देते हैं। प्रोग्राम्स हर बार होता है, हर साल होता है, कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। आज का प्रोग्राम एनुअल फंक्शन है और यहाँ पे बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए। इनके पीछे हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उनमें रीत है, भगवान है, कोमल मैम है, मैं हूँ, और भी जितने टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, जो शिक्षक एवं शिक्षिकाएं गण, ये लोग उनको उत्साहित करते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। और भी सर, हम पैरामेडिकल कॉलेज है, हाँ आपका कॉलेज अलग है? हमारा कॉलेज अलग है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पीछे उनको अच्छा बनाने के लिए हर एक टीचर मेहनत करता है और रात दिन मेहनत करता है, मतलब 24/7 वो मेहनत करते हैं उनको एक एक अच्छा स्टूडेंट इंडिविजुअली सामने लाने के लिए। मेरे स्टूडेंट का सवाल है कि हम नर्सिंग करते हैं, पैरामेडिकल करते हैं, लेकिन कॉलेज सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इस पे क्या कहें? हमारे यहाँ तो कॉलेज में हर दिन क्लासेस होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता है। सिलेक्शन की बात होता है मैडम, जैसे स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम नर्सिंग किए हैं, पैरामेडिकल किए हैं, लेकिन हमको सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्योंकि वो सिर्फ सर्टिफिकेट लिए हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, इसके पीछे का एक ही राज है और पूरे इंडिया का यही है कि रेडीमेड, आज के स्टूडेंट्स को रेडीमेड सब कुछ चाहिए, बिना पढ़े सब कुछ चाहिए, तो नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। आप लोग स्टूडेंट्स को यहाँ तक जब तक पढ़ता है तब तक देखते हैं, आगे यहाँ से पास आउट करने के बाद भी देखते हैं? पास आउट करने के बाद भी हम लोग देखते हैं सर, वी आर ऑल द मेंटर्स। इफ यू आस्क अबाउट इंग्लिश नेम, वी आर ऑल आर द पर्सन हु आर मेंटर्स ओवर हियर, जो आगे भी देखेंगे और देखते चले जाएंगे। हम लोगों ने प्रॉमिस करी है कि हमें एक अच्छा सोसाइटी देना है। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आपके कॉलेज में? होता है, कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्शन होके गए हैं? देखिए अभी तो फाइनल बैच निकलने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, जैसे मेदांता हुआ, जैसे पारस हुआ, और भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, और आगे भी प्लेसमेंट हमारी कमेटी है, प्लेसमेंट सेल है, उसके लिए भी देखा जा रहा है। इस साल बच्चे 20 के बच्चे निकलने वाले हैं, लेकिन पहले ही उनकी सिलेक्शन हो गई है इंटर्नशिप के लिए। कॉलेज जो होता है कैंपस सिलेक्शन के लिए कुछ कॉलेज के कुछ बाहर के जो है संस्थाएं आएंगी क्या यहाँ? हाँ आती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं? मेडिकल के तरफ से ही आती है, जैसे मेदांता है, जैसे मेडिकेम है, जैसे अपोलो है, ये सब आते हैं, और इन लोग का जिन लोग अच्छा कर रहे हैं वो निकलते चले जा रहे हैं, मतलब उनको इंटर्नशिप पहले होगा, फिर 6 महीने 1 साल के बाद अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका जॉब वहीं पे लग जाएगा। मैडम लास्ट क्वेश्चन, कहाँ कहाँ आप लोगों का ब्रांच है इसके? हम लोग का पटना में ही है, हाजीपुर में है, और सर के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इट्स अ चेन ऑफ कॉलेजेस वो रन कर रहे हैं, तो वो कई बिहार के कई जगह में।
जरूरतमंद बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही है आपके कॉलेज में, जो जैसे जरूरतमंद से आप क्या कहना गरीब परिवार से आते हैं जिनको पढ़ने का शौक हो मगर वो पढ़ नहीं पाते, सर फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनसे फीस नहीं लिया जाता है। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके कॉलेज? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 40%। ये लोग गरीब परिवार से हैं और सर उन लोग को फ्री में खाना, फ्री में रहना वो पैसा नहीं लेते हैं और उन लोगों को उनके साथ वो जुड़े हुए हैं कि उनका जॉब अच्छे जगह हो, वो अर्निंग करे तो फिर उनका घर चले। कहाँ कहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं? ये पूरे बिहार से आते हैं। स्कूल चले हम, ओ, 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 ओ,